नमस्कार दोस्तों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। खेल दिवस को सोचकर ही एक ऐसे शख्स को याद किया जाता है जिसने अपनी हॉकी स्टिक से पूरे विश्व को अपने सामने नतमस्तक किया। हम बात कर रहे हैं दादा ध्यानचंद की। ध्यानचंद एक ऐसी शख्सियत थी जो सिर्फ अपने खेल के कारण ही नहीं बल्कि अपने सौम्य स्वभाव, खेल भावना व देश प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही सेना में जाने की उनकी रुचि के कारण ध्यान 16 वर्ष की उम्र में ही सेना में भर्ती हुए और वहीं से उन्होंने हॉकी में रुचि दिखाई। सेना से खेलते खेलते वे ओलंपिक खेलों में भी ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधित्व करने लगे। वर्ष 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 लॉस एंजलिस एवं 1936 बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद ने प्रतिभाग किया एवं भारत के ओलंपिक खेलों में स्वर्णिम इतिहास की शुरुआत की। इस दौरान कई ऐसे किस्से सुनाई दिए जो उनकी खेल भावना एवं देश प्रेम का परिचय देते हैं। चांद की रोशनी में खेलते और अभ्यास करने के लिए ही उन्हें ध्यान सिंह से ध्यानचंद के नाम से जाना जाने लगा। वे अपने खेल में बॉल पर नियंत्रण, सटीक पास और स्कोर करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। 1936 बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की अगुवाई में भारत ने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक हॉकी खेल में जीता, जिसके फाइनल मैच में भारत ने जर्मनी को एक तरफा 8-1 से रौंदा और इस मैच के दूसरे हाफ में ध्यानचंद नंगे पांव खेलकर इस मैच को भारत की झोली में लेके आए। इस मैच के बाद कहा जाता है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें अपने राष्ट्र की ओर से पद का लालच देकर खेलने का न्योता दिया, किंतु जिसे ठुकरा कर ध्यानचंद ने देश प्रेम की एक बार फिर से मिसाल बनाई। हॉलैंड में उनकी स्टिक को भी तोड़ा गया, ये सोचकर कि उनकी हॉकी स्टिक पर चुंबक तो नहीं। और भी बहुत ऐसे किस्से हैं जहां उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे रखकर देश एवं खेल को आगे रखा। सेना में खेल की बदौलत ही अंततः ध्यानचंद सिपाही पद से मेजर के पद तक पहुंचे और ध्यानचंद को वर्ष 1956 में तीसरे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड से पद्म भूषण से नवाजा गया। ध्यानचंद ने अपने खेल जीवन को वर्ष 1948 में अलविदा कह दिया व 3 दिसंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद का देहांत हो गया। ध्यानचंद के जन्म दिवस को ही आज हम पूरे राष्ट्र भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं एवं उन्हीं के जन्म दिवस को वर्ष 2012 से खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च पुरस्कार देने को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। तो आज के इस विषय एवं विशेष अवसर पर ध्यानचंद जैसी शख्सियत जिसने सिर्फ अपने खेल से ही नहीं बल्कि अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से भी पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया, जिसका साक्ष्य वेना में लगी वह स्टैच्यू है जहाँ पे ध्यानचंद के चारों हाथों में चार स्टिक पकड़े हुए वे नजर आते हैं, जो उनका खेल में उनके कौशल एवं उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च अवार्ड खेल रत्न भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में आने वाले समय में दिया जाना सुनिश्चित हुआ है, जबकि पूर्व से ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ही दिया जाता रहा है। आज इस प्रतिभावान लेजेंडरी खिलाड़ी को हमारा सत सत नमन।